तो हेलो गाइस, आज फिटनेस फैक्टर चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का टॉपिक रहेगा कि स्किनी फैट क्यों होता है एंड कैसे होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको सर बताएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो। मैं आज लेके आया हूँ जो टॉपिक वो स्किनी फैट के बारे में। और हम लोग के पास में है मोंटू का दोस्त। आपका नाम क्या है? आदित्य। इनका नाम आदित्य है। तो ये इनकी बॉडी जो है वो भी स्किनी है, स्किनी फैट है, क्योंकि मैंने चेक किया था। तो आज का टॉपिक हम स्किनी फैट के बारे में पता आपको बताने वाला हूँ, मैं गाइड करने वाला हूँ और कुछ रीजंस वो देने वाला हूँ कि कैसे होता है और आपको क्या क्या लैक करता है और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक पे पूरा कवर करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड हमारा इंस्टाग्राम पेज आप दिख रहा है उसे आप जाके फॉलो करिए। चलते हैं आगे बढ़ते हुए। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्किनी फैट के बारे में। स्किनी फैट होता क्या है? स्किनी फैट ये है कि इंसान रहता है पतला, लेकिन उनके बॉडी में मसल मास कम रहता है और फैट परसेंटेज ज़्यादा रहता है, तो उसे हम बोलते हैं स्किनी फैट। और हमारे पास में एग्जांपल है मोंटू का फ्रेंड आदित्य, जो स्किनी फैट इनकी बॉडी टाइप है। मैं आपको एक एक पॉइंट कवर करके बताऊंगा कि आप में क्या क्या लैक कर रहा है और आपको वो चीज़ क्या क्या करनी चाहिए अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अगर आपको अच्छी फिजिक पानी है, आपको स्किनी फैट से एक मस्कुलर फिजिक में आना है। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली इनसे ही बात करूंगा कि स्किनी फैट अगर कोई बंदा है तो उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है। सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज कवर करूंगा। पॉइंट नंबर वन, वो है बॉडी टाइप। दोस्तों, स्किनी फैट लोगों की जो बॉडी टाइप रहती है वो है एक्टोमॉर्फ। वैसे बॉडी टाइप तीन तीन फेज की रहती है। ये एक्टोमॉर्फ हो गए, मैं मेसोमॉर्फ हो गया और एकदम हैवी सा बंदा आ गया तो वो गया एंडोमॉर्फ। तो तीन टाइप की बॉडी आती है। तो एक्टोमॉर्फ के अंदर ये है काफ़ी पतला लेकिन स्किनी फैट। तो मोस्टली जो इनकी जो बॉडी टाइप जो रहती है वो एक्टोमॉर्फ रहती है, पतले रहते हैं लेकिन बॉडी में फैट परसेंटेज रहता है ज़्यादा, मसल मास रहता है कम। आपको समझ में आ ही गया होगा कि इनकी बॉडी टाइप क्या रहती है। तो काफ़ी सारे जो एक्टोमॉर्फ मेरे भाई जो है, जो स्किनी फैट है, वो भी वीडियो देख रहे रहेंगे। तो स्क्रीन बड़ा करिए और अच्छी तरह से देखिएगा और मेरी वॉइस को जो है ईयरफोन लगा के सुनिएगा। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर वन। सेकेंड, हम चलते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज। दोस्तों, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होता है कि मैं इनको टी शर्ट निकालने का रीज़न इस करके बताया है कि इनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ता है तो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ता है, आपकी बॉडी में मसल मास जो है ड्रॉप होता है। तो देख सकते हैं थोड़ा सा ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो जिनको दोस्तों जो है स्किनी फैट जो है, जिनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा है, तो प्लीज़ जाइए आप सबसे पहले कल जिम ज्वाइन करिए। और वेट ट्रेनिंग पे आप ज़्यादा फोकस करिए रेदर देन डूइंग कार्डियो। तो आप ऑलरेडी पतले हो, हफ्ते में आप दो बार कार्डियो कर सकते हैं लेकिन आपको पांच बार आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। जैसे मैं इनको पूछ लेता हूँ, अभी इनकी बॉडी टाइप के हिसाब से पूछ लेता हूँ। आदित्य, तुम जिम जाते हो? नहीं। तो अभी आप कल से जिम जाओगे? पक्का 100%। तो आप समझ गए होगे स्किनी फैट जो रहते हैं वो जिम नहीं जाते मोस्टली। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर टू, वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो आपको कन्वर्ट करना है, यू शुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। तो अभी हम चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर थ्री के ऊपर, वो है डाइट। तो देखिए, डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं स्किनी फैट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिनको वेट गेन करना है, जिनको फैट लॉस करना है, उनके बारे में भी बात कर रहा हूँ। तो आपको डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको हेल्दी फूड खाने हैं। जैसे मैं आदित्य से पूछ लेता हूँ, आदित्य आप क्या खाते, क्या हो? सब जंक फूड वगैरह, नॉर्मल अपना कॉलेज लाइफ। तो स्ट्रेस, प्रॉपर सोना नहीं क्योंकि रात को चैट करना रहता है, गेम खेलना रहता है, पबजी भी खेलना रहता है। तो ये पबजी लवर्स लोग रहते हैं ज़्यादा करके, जो स्किनी फैट रहते हैं, क्योंकि वो जिम नहीं जाते हैं और कुछ भी खाते हैं। जैसे इन्होंने खुद एग्जांपल दे दिया है। देखिए, मैं इनको ये बोलने को नहीं बोला हुआ है, उनकी बॉडी टाइप देख लीजिए और आप उसके हिसाब से आप सोचिए कि स्किनी फैट बंदा क्या डाइट खा रहा है। तो आपको जो है ना एक अच्छा हेल्दी फूड खाना है। आपको जैसे आप जैन हो तो आप नॉनवेज वगैरह खाते नहीं हो? नहीं। तो आपको पनीर का इंटेक करना है, दूध का इंटेक करना है, कर्ड का इंटेक करना है। आपको सोयाबीन तो नहीं खाना है क्योंकि सोयाबीन में ईस्ट्रोजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, ऑलरेडी इनमें ईस्ट्रोजन लेवल है। उसके अलावा जो है हेल्दी मील्स लेने, आप जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खा सकते हैं। मैं आपको डाइट खुद बना के दूंगा जिसमें आ जाता है अपना वेजिटेबल्स आ गए, फिर अपना क्या बोलते हैं ब्राउन राइस आ गए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्दी रहती है। और रात को आपको कम से कम खाना है, भले आप पतले हो या मोटे हो, क्योंकि रात का खाना आपकी बॉडी पे किधर नहीं जाता, उसी स्टोर रहता है। तो डाइट, जैसा मैंने बताया कि आपको डाइट जो है चेंज करनी है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है और आपको एक्सरसाइज करनी है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर थ्री, वो है डाइट। सो दोस्तों, अभी हम चलते हैं हमारे जो फोर्थ पॉइंट के ऊपर, वो है लाइफस्टाइल। लेकिन लाइफस्टाइल पे चलने से पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे डाइट के बारे में बताया तो डाइट का वीडियो भी मैं कवर करने वाला हूँ इसके आने वाले वीडियो पर। तो हमें सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमें आपका प्यार दीजिएगा ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें और आपको नोटिफिकेशन पहुँच सके अगर आप घंटे का आइकन दबाएंगे। तो वो चीज़ों का ध्यान रखिएगा।
मोस्टली मैं जो कवर करने वाला हूँ एक नॉन वेज और एक वेज, दोनों का मैं स्किनी फैट वालों के ऊपर कवर करूँगा ताकि आपको अच्छी डाइट मिल सके। तो जैसा मैं बोल रहा था कि हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल के बारे में जो है हमारे आदित्य भाई बताएंगे कि आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आप सुबह कितने बजे उठते हो और रात को कितने बजे सोते हो। लाइफस्टाइल तो एकदम मतलब डिस्टर्ब ही रहता है, जैसे अभी जॉब पे जाना रहता है, फिर आना रहता है, फ्रेंड्स को टाइम देना रहता है, फिर थोड़ा बहुत मोबाइल पे अपनों को टाइम देना पड़ता है, फिर थोड़ा पबजी वाला ग्रुप रहता है उनको टाइम देना पड़ता है, तो जैसा कि स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, एक आध तुम्हारा डाइट स्किप हो जाता है, तो प्रॉपर वो सब नहीं रहता है, तो उसमें एक्सरसाइज तो इसमें तो पूछो ही मत कि इसमें अभी ना कितना टाइम निकालेगा, अभी पहले से इतना बर्बाद हो चुका है तो इतना टाइम किधर से निकालेगा, तो ऐसा ही सब होता है लाइफस्टाइल भी अपना। दोस्तों लाइफस्टाइल का तो इन्होंने बता ही दिया है क्योंकि इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो अभी आप अपना लाइफस्टाइल क्या रखोगे? अभी से बस जिम ज्वाइन किया है कल से, तो बस जिम पे और प्रॉपर डाइट पे फोकस है, और जितना हो सके उतना ऐप्स डिलीट कर दिए, अभी एक यूट्यूब रखा है जिससे मैं फिटनेस फाइटर को ही फॉलो कर सकूं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही बोलेगा इन, आपने समझ ही गया है कि आपकी लाइफस्टाइल आपको क्या रखनी है और आपको आपका आपकी लाइफस्टाइल क्या है और आपको आपकी लाइफस्टाइल क्या रखनी है, दोनों में क्या चेंजेस करने हैं, सो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। दोस्तों अगर आपने आपका एक्सरसाइज, आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल चेंज किया तो आपने वो चीज़ पा ली जो मैंने आपको फिफ्थ पॉइंट में बता दिया, तो आपकी जो है कंसिस्टेंसी इज़ द की जो आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स जो है वो 100% आने चालू हो जाएंगे। श्योर श्योर। सो दोस्तों फिफ्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इनसे रिलेटेड है, सो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप सही टाइम पे उठेंगे, सही टाइम पे सोएंगे, आपको 7 घंटे का नींद चाहिए ये, और क्योंकि ताकि आप अच्छा एक्सरसाइज कर सके, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम हो, मसल मास बढ़े, बोन डेंसिटी बढ़े, अच्छा डाइट लें, और डाइट के बारे में जैसे मैंने बताया कि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, और वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन अलग से। सो बस दोस्तों आपका प्यार बनाइए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें इंस्टाग्राम पेज पर आप फॉलो करिएगा, हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों, हम चलते हैं। Stay fit, stay awesome. मिलते हैं अगले वीडियो में।